चीफ गेस्ट डॉक्टर कपिल कुमार की तारीफ में हमारे हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर अग्रवाल दो शब्द कहेंगे। गुड इवनिंग वनंदा, सबको मेरा नमस्कार। हमारे मेडिकल साइंस को ईश्वर के दिए हुए वरदान है डॉक्टर कपिल कुमार। वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड कहूं तो झूठी तारीफ नहीं, हकीकत है। 5 साल के अंदर 1000 ऑपरेशन, ये तो बहुत बड़ी बात है। एंड द सक्सेस रेट इज 100%, सिंपली सुपर्ब एंड फैंटास्टिक। विदेश से आए कई बच्चे इनके हाथों से दूसरा जन्म पाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान से आए एक दंपत्ति की एक मासूम बच्ची का हार्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा किया है, इनकी एक नई और बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर कपिल कुमार अगर विदेश में होते तो दुनिया के अमीरों में से एक होते। अगर यहाँ अपना हॉस्पिटल खोलते तो देश के सबसे बड़े अमीरों में एक बन गए होते। लेकिन यहाँ सरकारी अस्पताल में काम करके अपनी काबिलियत और सेवा गरीब और लाचार लोगों के लिए समर्पित करने वाले इस महान हस्ती को मैं झुककर सलाम करता हूँ। सबकी आयु लंबी करने वाले इनको भगवान लंबी आयु दे, यही मेरी दुआ है। नमस्कार, जय हिंद। अब डॉक्टर कपिल कुमार जी, एक मिनट। दुखिया सबको मेरा नमस्कार। कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सी जाने बचाई, ये सब भगवान की मर्जी है। मैं तो उसका एक जरिया हूं, बस इतना ही। मेडिकल साइंस कोई व्यापार नहीं है, यह एक सेवा है और वही मैं कर रहा हूं। पैसा कमाने के लिए हजारों पेशे हैं, लेकिन जान बचाने का एकमात्र महान पेशा सिर्फ मेडिकल साइंस ही है। जहां तक जान का सवाल है, उसमें छोटी जान बड़ी जान जैसा कोई भेदभाव नहीं है। आज की यह नन्ही सी जान ही कल कुछ कर दिखाने वाली बड़ी जान बन सकती है। किसी भी जान का जन्म होना खुशी की बात होती है, और वही जान अगर बिछड़ जाए तो दुख की बात होती है। जान ना हिंदू होती है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई होती है। जाति, धर्म, भाषा, देश, सही मायने में इन सब से कहीं बढ़कर होती है जान। ऐसी कीमती जान को बचाने वाले हर एक डॉक्टर पर सबको फक्र होना चाहिए, और मुझे भी फक्र है। मेरी तारीफ में यहां जो कुछ भी कहा गया वो मेरे लिए भगवान की तारीफ से कम नहीं। जय हिंद, नमस्कार। क्या कर रहे हो? अरे तू क्यों चिल्ला रहा है? अरे जालिमो, तुम लोग इसे कचरे की तरह फेंक के जा रहे हो। अरे ये क्या बेटा, ये ठीक क्यों नहीं फेंकेंगे बे? या तो पैसा होना चाहिए या ऊपर पहुंचना चाहिए, दोनों ही नहीं है। दिमाग चाट रहा था बुड्ढा, उसके लिए तुम लोग इसे सड़क पे फेंक के जाओगे? अरे तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है, तो इसे अपने घर ले जाना है। ए, इसका मुंह क्या लगना, चल अपना काम करते हैं। हाँ चलो। अरे कमीनो, तुम लोगों को सरकारी पगार। अरे कोई है, उठिए बाबा। हाँ देख भगवान तेरा। चल 8 नंबर वाले बुड्ढे को उठाते हैं। नहीं, उसका पैसा आ गया है। तुम लोगों को ठीक करने वाला कोई जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ए, ये डॉक्टर कपिल कुमार ही है ना? मीना, अपने हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुई है इनकी। नो नो, 7 नंबर के वार्ड में हार्ट पेशेंट है ना, उनका चेकअप करने के लिए सीनियर डॉक्टर ने उन्हें बुलाया है, इसलिए आए हैं यहाँ। ठीक है, कल ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके डॉक्टर। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी उठाओ। हाँ जल्दी जल्दी, वार्ड में ले जाओ। कम ऑन, अरे मेरी बेटी को बचाओ।
मेरी बेटी को कोई बचाओ, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मर जाऊं। कंपोज कंडीशन। भगवान के लिए कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। मैं क्या करूं? माता, काली माता, दया कर माँ, जच्चा बच्चा दोनों की जान बचा माँ। हाँ चलो चलो ले चलो। सिस्टर यहाँ आइए, इनके डिलीवरी कब हुई थी? कल रात को ही डिलीवरी हुई थी डॉक्टर। ओ आई सी। अच्छा, इन सबको वार्ड में एडमिट किए बगैर यहाँ बाहर क्यों लिटा रखा है? एडमिशन बहुत ज्यादा है, वार्ड में बेड काफी नहीं है। बेड काफी नहीं है तो और बेड डालने चाहिए ना, या फिर स्पेशल वार्ड में डालना चाहिए था ना? स्पेशल वार्ड में सिर्फ 10 ही बेड है और उन सब में मरीज हैं। ये क्या कह रहे हो, इमरजेंसी के लिए एक दो बेड भी खाली नहीं है? नो चांस डॉक्टर। डॉक्टर, स्पेशल वार्ड के सारे रूम फुल हो गए हैं, लेकिन अगर पेशेंट्स देखें तो सिर्फ 2 ही हैं। हाँ तुम बोलो। बाकी के 8 बेड में बाहर के लोग पैसे दे के रह रहे हैं डॉक्टर। स्पेशल वार्ड कहाँ है सर? यही स्पेशल वार्ड है डॉक्टर, सभी बेडों में मरीज हैं। अरे हटो भी, तुम तो बड़े वो हो डार्लिंग। अच्छा, हॉस्पिटल में रिजॉर्ट का मजा कैसे मिलेगा? रिजॉर्ट में खर्चा भी ज्यादा है और पुलिस का भी खतरा। यहाँ हॉस्पिटल में रहने से मेरी बॉडी का टेस्ट भी हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी का टेस्ट भी हो जाएगा। एक तीर 2 निशाने, आई बात समझ में? ठीक, नॉटी। अरे ये लड़के हमारा हम काम करेंगे, क्यों है सब हमारी पार्टी की महिला भी बाकी सदस्य हैं। परेशान मत करो यार, मैं हूँ ना, 2 महीने सब ठीक हो जाएगा। चिट फंड का धंधा ही कुछ ऐसा है, पैसा फेंको और तमाशा देखो, समझा? ओ क्यों भाई डॉक्टर, अंदर आने से पहले खटखटाना नहीं? अच्छा क्या बात है, जल्दी से बोलो और दवा हो जाओ यहाँ से। आपको क्या तकलीफ है, मैं यही जानने के लिए आया हूँ। सर इन्हें माइल्ड अटैक हुआ है इसलिए एडमिट हुए हैं। लेकिन दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। मनोहर ये क्यों दिमाग चाट रहा है, अभी तक मेरी तबीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही पैसे देकर आराम करने के लिए यहाँ भर्ती हुआ हूँ, इसे क्यों खुजली हो रही है? टेंशन मत लो भाई, सचमुच कहीं अटैक ना हो जाए, मैं बात करता हूँ ना। डॉक्टर साहब इनकी कुंडली में पिछले 2 दिन से शनि चढ़ा हुआ है, फिजूल में दवा दारू का खर्चा होगा, इसीलिए ये कहीं बाहर जाके एक्सीडेंट वैक्सीडेंट अगर हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ भर्ती होकर दवा का पैसा दारू में लगा रहे हैं, दारू का खर्चा मेडिकल क्लेम में डाल देंगे। बोलिए कैसा रहा मेरा आइडिया? अरे उसकी तरफ क्या देख रहे हो, उसकी जेब हमने गर्म कर दी है इसलिए उसकी बोलती बंद है। पूरी कहानी सुन ली ना, जाकर अपना काम देखना। आप जरा बाहर रहेंगे? क्यों? मतलब जरा सा हद के, क्योंकि साहब ने मुझे कहा है कि मैं अपना काम देखूं। अपना काम शुरू करता हूं। अरे पास क्यों आ रहा है? अरे आवाज कैसे? झूठ मूठ का पेशेंट बनकर आने वालों की वहाँ कपिल कुमार धज्जियां उड़ा रहा है। पैसों के संबंध में अय्याशी करते हो। ए, ये कोई डॉक्टर है या कसाई है, इतना बड़ा गना सा लेके बैठा है? घर में अपनी बीवी को धोखा देकर यहाँ अपनी रखेल के साथ अय्याशी करने वाला, चिटफंड का धंधा करके गरीबों का पैसा लूटकर, कानून से बचने के लिए दिल के दौरे का नाटक करके यहाँ भर्ती होने वाला, सियासत से बेहिसाब दौलत कमाकर अब रेड से बचने के लिए यहाँ पर आकर रेस्ट लेने वाला, इस तरह 420 और धोखाधड़ी करके इस जगह को नापाक करने आए सभी को मैं 10 मिनट की मोहलत देता हूँ, उसके अंदर खुद ब खुद ये जगह खाली कर दो वरना मैं तुम सबको खाली कर दूंगा। आठों बेड खाली हो गए डॉक्टर। बाहर जितने भी मरीज पड़े हैं उन सबको यहाँ शिफ्ट करो। ओके डॉक्टर। मनोहर सर, जो पैसों से लाचार होते हैं वो इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ भी इलाज को पैसों के सामने लाचार मत बनाओ। किसी भी विभाग को घूस दीमक बनकर अगर चाट जाए तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन वही दीमक अगर अस्पतालों को लग जाए तो बहुत सी जाने जाएंगी। फिर कभी यहाँ पर ये दोहराया गया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम डॉक्टर हो, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा।
डॉक्टर साहब कब आएंगे? आते ही होंगे। लीजिए आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। बैठे बैठे आप सब बैठे। ये दवाई दिन में 3 बार लीजिए। मिनट हाँ, मेरे लाइसेंस का क्या हुआ, देखकर आ जाती हूँ। ठीक है, देखकर आओ। सारे कागजात मुझे दे दिए ना? जी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। 2 दिन के बाद मुझे फोन करना, ठीक है? अरे मेरे अभी से मेरे बेटे को मार दिया। वो लड़का उसी औरत का है? हाँ डॉक्टर, छोटी उम्र का लड़का है, मेरे अभी से मार डाला। क्या हुआ था? 2-3 सालों से अंधेरे में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था ये लड़का। सुना है कि मैनेजमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और उन लोगों ने इसे मरवा दिया। अब मैनेजमेंट इस मर्डर को खुदकुशी में बदलने के लिए पुलिस, लेबर ऑफिसर, ट्रेड यूनियन लीडर्स सबको पैसों से खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं। फाइनली हमारे हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस मर्डर को खुदकुशी करार देने की कोशिश चल रही है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेंसिक रिपोर्ट दिस इज ए कन्फर्म्ड मर्डर, देयर इज नो डाउट सर। इस माँ के लिए यही सब कुछ था। बेचारी, इसकी हालत देखिए। अगर खून करार दिया तो मुआवजा मिलेगा और खुदकुशी करार देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन लोगों को ना सौंप कर वो रिपोर्ट मेरी टेबल पर भेजिए। ओके डॉक्टर। आप रोइए नहीं, हिम्मत रखिए। कपिल, कपिल कुमार कौन है और उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइन करने से इनकार क्यों किया? कहाँ हो? कहाँ? वो देखो कार पार्किंग की तरफ जा रहा है। वो देखो, वो जा रहा है। डॉक्टर, 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 कपिल, कपिल, अरे कहाँ गया हो? लगता है उधर है। यहाँ पड़ा है। तूने मेरे आदमी पर हाथ उठाया? ए डॉक्टर, आज तक तूने दूसरों का खून देखा है, अपना खून नहीं देखा ना? इसे जब घुसेड़ूंगा ना, खून का फव्वारा निकल आएगा। अभी देखेगा, देखेगा, दिखाओ। अरे नाक काट दिया। तो शराब के पौवे के लिए और आधे प्लेट बिरयानी के लिए उस तरह पकड़ता है, लेकिन कहां काटने पर कैसे जान निकलती है ये तुझसे भी अच्छी तरह मैं जानता हूं। ऐसे हथियार मेरे लिए खिलौनों की तरह हैं। एक ही वार में पीस पीस कर डालूंगा। देखना चाहता है? देखना चाहता है? दिखाऊं? अरे यार, जिस डॉक्टर को मारने के लिए भेजा था वो मामूली नहीं है, बड़ा डेंजरस है। उसने हमारे आदमी का नाक का नक्शा बदल दिया है। क्या नंबर? TN09V5 स्विफ्ट मॉडल मारुति कार सिल्वर कलर। Thank you.
कर दे
I'm sorry. अनजाने में. Once more, please. क्या कहा आपने? Once more, नमस्ते भाई. नमस्ते. छोड़ो, जमीन की रजिस्ट्री हो गई. वो बुढ़ा नहीं आ रहा भाई. क्या लफड़ा यार. छोड़ो, धीरे देख लेंगे. वो इस वक्त मंदिर में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं. हाँ चलो. आठ नारियल पूरे हो गए भाई. भैया आपकी कमीज. जीजा जी, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई. मार्केट वाली जमीन में प्रॉब्लम है. बुड्ढा जिद पे अड़ा हुआ है कि वो साइन नहीं करेगा. अभी अभी एक परिहार पूरा किया. इतने में अपने हाथ और पैर से पाप करना पड़ेगा. इस वक्त वो है कहां. नमस्ते साहब जी. साहब जी नमस्ते. यहां क्यों आए हो. आपको अपने साथ ले जाने के लिए साहब जी. कहां. रजिस्ट्री ऑफिस में. जीजा जी एडवांस ले चुके हैं. पार्टी वेट कर रही है. आज का दिन शुभ दिन है. इस तरह जिद करोगे तो कैसे चलेगा. चलो मेरे साथ चलो. वो जमीन मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हूँ. उसे नहीं बेचूंगा. ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ. बस एक बार बोल दो. नीचे मेरे जीजा जी इंतजार कर रहे हैं. उनके सामने बोल दो. अगर वो हाँ कहे तो मुझे क्या ऐतराज है भाई. चलो आ जाओ. मैं अपनी जमीन बेचूं या ना बेचूं ये मेरी मर्जी है. तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते. अगर करोगे तो मैं पुलिस को फोन करूंगा. जीजा जी बुढ़ा पुलिस में जाने वाला है. मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं. आप बोलिए. जबरदस्ती ही करूंगा. गाड़ी भरा बे. बुड्ढे खोजर, जा कर पेपर तो साइन कर जाओ. ये सर ऐसा ना इंसाफी है. मैं ये काम नहीं करूंगा. अरे मजाक मत कर. तू अपनी बेटी का ब्याह रचाना चाहता है ना. देख उस बेटी का हाल. चलो उन्हें कुछ मत करो. मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ. उन्हें छोड़ दो. उन्हें छोड़ दो. साइन नहीं करोगे तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा. हमारे आदमी भेड़ियों से भी बदतर हैं. अगर इनसे कहो मारने के लिए तो रेप कर कर ही मारते हैं. मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ. रहो तो पैर पकड़ो. उन्हें उन्हें छोड़ दो प्लीज. पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं. अंदर जाके एक साइन करना काफी है. साइन करोगे. साइन करोगे. साइन करता हूँ. साइन करता हूँ. क्या जीजा जी. बुढ़े ने साइन कर दिया. तुम भी तो इंसान हो. तुम्हारे अंदर जरा भी दया और हमदर्दी नहीं है. बड़ी मेहनत से बचा के रखा.
चिड़िए की तरफ 25 साल से बचत करके खरीदा था वो जमीन। मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास और कोई धन या दौलत नहीं है। मेरा ये हाल कर दिया जरा सी छूट दिया तो ड्रामा करने बहुत बोलता है, बाद में समस्या खड़ी हो जाएगी। उड़ा दे। अच्छी बात है। ए गाड़ी चला। चलो साहब। ए मरने के लिए निकला है क्या? मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारे बाप समान हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। सबसे पहले मैंने अपने बाप की गर्दन काटी थी। मत मारो। मंदिर इतने भगवान होने का क्या फायदा? अगर भगवान होता तो आके बचाता ना। तू मुंह बंद कर, उन गुंडों की तरफ उंगली उठाने का दम नहीं है, भगवान पे इल्जाम लगाता है। उन जुल्मियों को खत्म करने के लिए जरूर कोई मर्द बच्चा आएगा, भगवान कब तक खामोश बैठेगा? डॉक्टर क्या है? इंस्पेक्टर बोस आपसे मिलने आए हैं। उनसे वेट करने के लिए कहो, मैं अभी आता हूँ। ओके डॉक्टर। तुम इन्हें समझा दो, मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। कुछ भी करने से पहले पुलिस को इतला करना चाहिए। जी अच्छी बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा कैसे आना हुआ? रजिस्ट्री ऑफिस के पास कुछ गुंडों ने एक सरकारी अफसर का कत्ल कर दिया सर। हाँ मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है। उनमें से एक गुंडे को मैंने पकड़ लिया सर, 3 दिन तक उसे कस्टडी में रखा, सारे प्रयोग कर लिए, फिर भी कमबख्त ने अपना मुँह नहीं खोला। अगर उसे मुँह खुलवा लिया तो शहर में दहशत फैलाने वाले एक बहुत बड़े गैंग को मिटा सकते हैं सर। सुबह ले जाके जब कोर्ट में खड़ा किया तो जज के सामने सीने में दर्द का नाटक शुरू कर दिया। जज ने ऑर्डर किया कि उसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इसलिए उसे आपके पास ले आया। ये इंजेक्शन किस लिए डॉक्टर? तुम्हारे सीने में दर्द है ना, उसी के लिए। अभी कोई दर्द नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चेकअप कर लो बस। फिर से दर्द नहीं आना चाहिए ना, इसलिए पहले इंजेक्शन उसके बाद चेकअप। आराम से लेट जाओ, बाद में आके चेक करूंगा। ओके चलो चलते हैं। आ गया भाई डॉक्टर, इंजेक्शन लगाता है। ये क्या हो रहा है? मेरे सर से करा रहा है, गला सूख रहा है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरे सर से करा रहा है डॉक्टर, जल्दी आओ डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ डॉक्टर, मेरा सर जकड़ा रहा है। डॉक्टर डॉक्टर मुझे बचाओ डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाओ डॉक्टर, मैं कहीं मर जाऊं डॉक्टर, डॉक्टर मेरा सर जकड़ा रहा है डॉक्टर, मेरा गला सूख रहा है डॉक्टर। हाँ और 10 मिनट में तो मरने ही वाला है। डॉक्टर डॉक्टर मुझे बचाओ डॉक्टर डॉक्टर। इंसान के जिस्म में 5.5 लीटर खून होता है, इस समय तेरे जिस्म में सिर्फ 0.5 लीटर खून है डॉक्टर, बाकी का 5 लीटर खून मैंने अलग से निकाल दिया है, वो देख। ठीक से देख, तेरा ही खून है, इस वक्त तेरा दिल धड़क रहा है सिर्फ 0.5 लीटर खून में, वो भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ए, रुक रुक, ऐसे ही उठा के पीने के लिए वो क्या कोई टॉनिक है? तू लाख कोशिश कर ले, अपने बदन में नहीं डाल सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ही तेरे बदन में डाल सकता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर ये खून मेरे बदन में, चढ़ा दो डॉक्टर, चढ़ा दो डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर, मुझे बचा लो डॉक्टर,
डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहता हूँ डॉक्टर, मुझे बचा लो डॉक्टर। वो तेरे बदन में डाल दूंगा, लेकिन पहले इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब दे दे। डॉक्टर मेरा सर चकरा रहा है डॉक्टर। दिल के दौरे का झूठ मूठ का ड्रामा करके तू यहाँ आया है, यहाँ आते ही सच में तेरा दिल रुक गया ऐसा सर्टिफिकेट दे दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर चकरा रहा है डॉक्टर, मैं सच बोलना चाहता है या जान गंवाना चाहता है? ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फैसला कर ले, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब, मैं बोलता हूँ, पहले वो खून मेरे बदन पे चढ़ाई डॉक्टर, पहले वो खून मेरे बदन पे चढ़ाई डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। बोल बताओ साहब, उस दिन उस बुजुर्ग आदमी को मारने वाला हमारे पास मंगल सिंह का साला संपू सिंह, उस दिन उस आदमी को जबरदस्ती पकड़कर रजिस्ट्री ऑफिस में लाकर साइन करवा कर चौराहे पे ले जाकर सबके सामने जबरदस्ती से कहा चला, उसने बहुत कुछ किया है साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। डॉक्टर मैंने सब कुछ बता दिया, मुझे बचा लीजिए, ये खून मेरे बदन पे चाह दीजिए डॉक्टर मुझे बचा लीजिए। अबे बेवकूफ, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। मैं तो क्या, तेरे बदन में वो कोई भी नहीं डाल सकता है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि वो बी पॉजिटिव है और तेरे बदन में ए नेगेटिव। तेरे बदन से मैंने खून का एक कतरा भी नहीं निकाला। पेंडाथोम इंजेक्शन देने की वजह से चक्कर आते हैं, बेहोशी आती है, गला सूखता है। तुझसे सच उगलवाने के लिए ये एक छोटा सा ड्रामा था। क्यों बे कमीने, तुझ में अगर इतनी अकड़ है तो हमारे अंदर कितनी अकड़ होगी। उल्लू का पट्टा, फिल्म देखने के लिए आए तो फिल्म देखना चाहिए। ये चीखना चिल्लाना सीटी बजाना ये सब मैंने नहीं किया भाई। 100 रुपया का टिकट लेके थिएटर का मालिक बन जाता है। अरे दादी, इस तरह नारियल को काट के मेरी इज्जत का क्यों गवारा कर रही हो? तो क्या हुआ, भगवान का प्रसाद तो है। क्या नंदिनी, तूने माथे पे बिंदिया टेढ़ी लगाई है? हाँ, ठीक है, ठीक है। संभालिए अपनी पोती को। अरे जा रही है, अपना काम दे। सब उस आदमी की वजह से हुआ, मैं टेंशन में पड़कर ब्रेक इंस्पेक्टर के सामने सब गड़बड़ कर दिया, नहीं तो आज मुझे लाइसेंस मिल गया होता। मैंने दोबारा उस आदमी को ढूंढा था लेकिन वो नहीं मिला। अगर वो आदमी मेरे हाथ लगता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। अच्छा ये बता, तूने उसे छोड़ कैसे दिया? वो भाग्यवास है, मैं कहाँ ढूंढती। भैया मैं पूजा की थाली लाना भूल गई, जाके ले आऊं? ठीक है जाओ। दादी माँ, वही है। हाँ, वही आदमी है। अरे अभी उसे उठा सीधा सुना दादी माँ। मैं अभी आती हूँ। क्यों भाई? तुमने जो किया वो ठीक किया क्या? मैंने क्या किया? हाँ, जब मेरी पोती लाइसेंस लेने आई तब यदि तुम नहीं कहते कि तुम ब्रेक इंस्पेक्टर हो तो वो टेंशन में नहीं आती ना। ब्रेक इंस्पेक्टर? भगवान न करे अगर इसका हाथ पर टूट जाता तो कौन इससे शादी करता। ओहो, उसके बाद इतना सब कुछ हो गया है। देखिए माँ जी, आपकी पोती ने ही मुझे गलत समझकर 8 बनाकर दिखाया। हेलो हेलो, तो पहले ही बताना था ना कि तुम ब्रेक इंस्पेक्टर नहीं हो। ब्रेक इंस्पेक्टर और आम आदमी में फर्क जाने बिना बेवकूफों की 8 बनाकर इल्जाम मुझ पर लगाती है। बेचारी कोई मंद बुद्धि की सोचकर मैं भी तमाशा देखता रहा। दादी माँ, ये मुझे पागल बोल रहा है। क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं प्रिया, कल आरटी ऑफिस के सामने जिस सनकी ने 8 बनाकर दिखाया था ना, वही यही है। ओह, तो ये है। हेलो, ये क्या मुझे ये वो कह रहे हो? मैं कोई जानवर हूँ? आई एम नंदिनी। एक ही बात है, नंदी वहाँ नी यहाँ। भैया आप यहाँ आइए, मैं बात करती हूँ। देखो नंदिनी, मेरे भैया की पावर जाने बिना बात कर रही हो। आरटी ऑफिस में ब्रेक इंस्पेक्टर कौन है तुम जानती हो? कौन है? मेरे मामा जी। वो मेरे भैया पे अपनी जान छिड़कते हैं। मेरे भैया का एक फोन करना ही काफी है। तुमको ना 8 बनाने की जरूरत पड़ेगी ना 9 बनाने की, लाइसेंस घर ढूंढ कर आ जाएगा, पता है ना भैया? इतना क्यों फेंक रही है? ये सब छोड़ो, पहले मेरी पोती के लिए कोई तरकीब बताओ। मैं क्या? एक मिनट, एक्सक्यूज मी दादी माँ। इधर आओ दादी माँ। कुछ नहीं, क्या हुआ? बात को मत बिगाड़ो दादी माँ। ये 8-9 वगैरह बनाई बिना ये नंदिनी लाइसेंस कैसे लेती है देखती रहना। तुम ही रुको। सर, मैडम, प्लीज अपने भैया से कहिए ना कि मामा जी से मेरी सिफारिश करे, प्लीज।
लेकिन ये तो गुस्से में है। सॉरी बोलती हो ना? मुझे नहीं, भैया को बोलो। सर सॉरी सर, दिल में गुस्सा मत रखिए सर। मेरे लिए आप अपने मामा जी से सिफारिश कीजिए ना प्लीज। किस मामा जी से बात? मैंने सॉरी बोल दिया ना सर, अब तो गुस्सा थूक दीजिए ना सर। ठीक है ठीक है, मैं थुका दूंगी। वैसे कल तुम ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रही हो ना? हाँ, कल सुबह 10 बजे। तो ठीक है, कल सुबह ठीक 10 बजे मेरे भैया तुम्हें फोन करेंगे। फोन नंबर दो। 9841-7884। बस बस अब तुम जाओ। थैंक यू सर। दादी माँ, आओ दादी माँ, काम हो गया। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मामा जी बोल रही हो, फोन नंबर भी ले लिया है, मुझे फोन करने के लिए कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम फिक्र क्यों करते हो भैया, ये भाभी को परेशान करने का ननद का तरीका है। भाभी? अरे चुप चलो भैया, जान के अनजान बनते हो। ए नंदिनी, आज तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आई है, तुझे टेंशन नहीं हो रही है? मैं क्यों फिक्र करूंगी, वहाँ देखो लेफ्ट बोले तो राइट जा रहे हैं, राइट बोले तो लेफ्ट जा रहे हैं, टोटल कंफ्यूजन है। मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ने वाली। आज तेरा ये अंदाज देखकर ब्रेक इंस्पेक्टर को ही टेंशन हो जाएगा। नो चांस, उस मुच्छर का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। सिफारिश के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती मिली है, अभी उनका फोन आएगा, पल भर में मुझे सल्यूट मार के हाथ में लाइसेंस थमा देगा। भैया सेल फोन कहाँ है? यहाँ है। अरे भैया छोड़ो ना, प्लीज मुझे कॉल करनी है। नंदनी। हाँ कमिंग सर। तू ये पीती रहना, ये फिनिश होने से पहले मैं लाइसेंस के साथ आऊंगी। ओके देखती जा। हेलो नंदनी बोल रही हूँ। की फोन का इंतजार कर रही थी। वो ब्रेक इंस्पेक्टर मेरे पास ही है, अपने भैया से कह के उनसे बात कराइए ना। बात कराती हूँ, पहले मामा जी को फोन दो। हाँ सर फोन सर। हाँ फोन है, जानता हूँ, जाओ हाथ बनाओ। सर आपके लिए सर। मेरे लिए? आपके कोई रिश्तेदार है लाइन पर? रिश्तेदार? बात कीजिए ना। मुझे तो खरसदारी फोन करते हैं। हेलो, हु इज ऑन द लाइन? पोस्ट पेड कनेक्शन है सर, जी भर के बात कीजिए। आई एम ब्रेक इंस्पेक्टर। क्यों बे गंजे? क्या तेरी शक्ल सूरत के लिए तो इंग्लिश बोलेगा? पहले से ही तेरे सर से सारे बाल उखड़ के मैदान हुआ पड़ा है, और उस शक्ल पे इतने बड़े मूछे लगा के घूमेगा? कुछ भी बोल, मेरे मूछों के बारे में मत बोल। चुपचाप इसी वक्त नंदिनी के हाथ में तू लाइसेंस दे दे। अगर नहीं दिया ना तो मैं तुझे इतना पीटूंगी कि तेरी मूंछ बचेंगी पर तू नहीं बचेगा। अब चुपचाप फोन रख बे गंजे के बच्चे। अच्छा किसी ने नहीं सुना। You failed. सर। Oh God. तुमने जो फाइल मांगी ये रही। माला दीदी मैंने ये फाइल नहीं मांगी थी, पेमेंट वाउचर लाइए ना। ओ ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। रुकिए, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ, दो चार दिनों से मैं देख रही हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, बोलिए ना। मुझे क्या हुआ, हड्डी कटी तंदुरुस्त हूँ। चले मेरे साथ। कुछ दिनों पहले सीने में दर्द करके बहुत तड़प रही थी, गैस की तकलीफ है समझ के मैंने उसे सोडा लाकर दिया, लेकिन राहत नहीं मिली और मैं उसे फौरन अस्पताल ले गई। वहाँ पे उसका टेस्ट लिया और उसका एक्सरे भी निकाला। मेरी बेटी के दिल में ब्लॉकेज है बोल रहे हैं, ऑपरेशन के लिए 4-5 लाख लगेंगे कह रहे हैं। मैं कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? उनके गुजर जाने के बाद पद्मा को ही अपनी दुनिया मान के मैं दिन काट रही हूँ। मुझे अपने पास बुला के जब वो पूछती है कि माँ क्या मैं मरने वाली हूँ, तो मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं क्या करूँ? आप फिक्र मत कीजिए दीदी, कल मैं आपको कहीं ले जाऊंगी। अब आप चलिए। रोइए मत,
प्रभु अपने बच्चों का हमेशा साथ देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने से 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे मदर, इसलिए आपके ट्रस्ट की तरफ से ऑपरेशन के लिए कोई मदद मिल सकती है क्या पता लगाने के लिए आए हैं? जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन है। हमारे ट्रस्ट की तरफ से एक और ऑर्फनेज, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनाने का प्लान है। उसके लिए 200 करोड़ रुपए का फंड्स विदेश से आने वाला है। सारा इंतजाम हो गया है लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज अभी भी बाकी हैं। फंड्स के मिलने में 2-3 महीने लग जाएंगे। उसके मिलने के बाद ही मैं कुछ मदद कर पाऊंगी। लेकिन ये हार्ट प्रॉब्लम है, जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए। बस सिर्फ ये बात नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा ऐसा दीदी का कहना है, इसलिए इस तरह आमतौर पर राय बनाने गलत बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, मेडिसिन सब उपलब्ध हैं। माना कि वहाँ कुछ लोग इंसानियत भूल जाते हैं, इस वजह से पब्लिक में गलत छवि बन गई है। कपिल कुमार नाम के एक सर्जन उसी अस्पताल में काम करते हैं, मेरी उनसे अच्छी पहचान है। वो वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके नाम एक चिट्ठी देती हूँ, अपनी बेटी को ले जाकर उनसे जरूर मिलिए। मुझे विश्वास है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है मदर। मदर, अब बस ईश्वरी मेरी उम्मीद है। इतनी ही उम्मीद आप डॉक्टर कपिल पर भी रख सकती हैं, वो आपकी बेटी को बचाने में कामयाब होंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल कुमार से मिलना है प्लीज। आपको 5 मिनट वेट करना होगा। अच्छा, ठीक। सिस्टर जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। वहाँ बैठे ना। सब नोट कर लो। ओके डॉक्टर। यस मदर, सुपीरियर की भेजी हुई एक पेशेंट आपसे मिलने के लिए आई हैं, रिसेप्शन में वेट कर रही हैं। ठीक है, उनसे कहो मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर, तुम लोग यहीं रुको। ओके और भी टाइम लगेगा क्या? नहीं नहीं आती होंगी जी। ओके हेलो। हेलो तुम? हाँ मैं ही। क्या बात है बोलिए। जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, बताइए। मिस्टर, हम यहाँ डॉक्टर से मिलने आए हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, बताइए। यू आज ऑफिस में ब्रेक इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर, 400 बीसी कर रहे हो? नहीं देखिए, हम यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल कुमार से मिलने आए हैं, समझ गए? मुझे परेशान मत करो, जाओ भी। डॉक्टर यहाँ आइए। यस सर। इन मोहतरमा जरा बताइए कि मैं कौन हूँ। यही है डॉक्टर कपिल कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट। ये हाँ, कोई प्रॉब्लम सर? कुछ नहीं डॉक्टर, आप जा सकते हैं। सॉरी डॉक्टर, सॉरी, आप ही डॉक्टर कपिल कुमार है जाने बिना। कोई बात नहीं, कौन क्या है ये जाने बिना, जल्दबाजी में बड़बड़ाना तुम्हारी आदत है ना। सर, मदर सुपीर ने आपके नाम खत भेजा है। सॉरी सर। अच्छा, ये पेशेंट कहाँ है? वहाँ पर। दीदी आइए। ये पेशेंट है। क्या नाम है तुम्हारा? पद्मा। आओ पद्मा। मदर ने इन्हीं का जिक्र किया था। अच्छा डॉक्टर, मैं मर जाऊंगी क्या डॉक्टर? अरे नहीं, ये क्या बोल रही हो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है, मेरे दिल में 3 जगह ब्लॉक्स हैं। कहते हैं मुझे कोई नहीं बचा सकता। किसने कहा? किसी ने गलत कहा होगा। एक छोटा सा ऑपरेशन करने से बस तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सचमुच डॉक्टर? हाँ सचमुच। यानी मैं +2 के एग्जाम्स दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हो। एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ डॉक्टर? ओ हो, तो ये तुम्हारा एम्बिशन है। सुनो, चांद पर पहला कदम रखने पर आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा था पता है? पता है डॉक्टर। तो बताओ। दिस इज अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। हाँ वेरी गुड। हाँ बैठी बैठी। देखिए कंडीशन काफी सीरियस है, घबराई नहीं, वो बच सकती है। आज ही पेशेंट को भर्ती कर दीजिए,
कल सुबह ऑपरेशन करना होगा। कल ही ऑपरेशन करना होगा डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, काफी देर हो चुकी है। पद्मा की हालत बहुत ही नाजुक है। ए, चल कुत्ता। ए, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। ए, क्या बोल रहा तू? तेरी बेइज्जती हो रही है, है? यहीं पे मारा था ना? बता यहीं पे मारा था ना? ए, बोल रहे है? ए, उसी का तो तुम लोगों ने डिजाइन बनाया है ना, फिर क्यों पूछते हो? ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तू अपने मुंह से कबूल क्यों नहीं करता? कबूल तेरे कुत्ते की औलाद। वो यहीं पर था। अच्छा तू किस तरफ से आया? उस तरफ से आया। फिर उसे कैसे काटा बता ना। अभी अभी बोला ना, भूल गया है क्या? चुप, जितनी बार पूछूं जवाब देना पड़ेगा। उधर क्या देखता है? आने वाला चाहे जितना बड़ा सुरमा क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता बहन? तूने कैसे काटा था? बिना बता तुझे नहीं छोड़ूंगा, शराफत से बता दे। चल बता, बता, बता ना कुत्ते, बता कैसे काटा था? बता ना, बता ना कुत्ते। इसी तरह मारा था उसे भी। तसल्ली मिल गई? अब मैंने इसे कैसे मारा किन किन को जानना है? मेरे साले को टॉर्चर करते हो? आइंदा मेरे साले से कोई भी सवाल करेगा तो यही जवाब मिलेगा। तो फिकर मत कर, इसे भी तेरे केस में शामिल करने दो, मैं देख लूंगा। ला ला, ठीक है। उसे वो मछली भी खिलाओ, पेट भर के खाओ। किसी तरह आपके साले साहब को बाहर लाने की कोशिश में हैं हम लोग। मुझे फिजूल की बातें नहीं चाहिए, मेरे साले को बाहर लाना है। मुमकिन है या नहीं बताओ। दफा 302 में दो केस है, नॉन अवेलेबल। आपके साले साहब ने किसी को दौड़ा दौड़ा के मारा है, सैकड़ों लोगों ने उसे देखा है। लेकिन गवाही देने कोई नहीं आया ना? वो तो सच है, लेकिन आप ही का एक आदमी सरकारी गवाह बन गया है। ऊपर से आप बीच में घुसकर पूरा गड़बड़ कर दिया है। फांसी से कम कोई भी सजा ना मिले, इसी कोशिश में है पुलिस वाले। देखो भैया, आपसे कह देती हूँ, अगर इन्हें सजा हुई तो मैं भी फांसी लगा के मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो, अभी फैसला कहाँ हुआ है? ये तुम्हारे लिए तुम्हारा सुहाग है मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बीवी के भाई और उसकी खुशी है। अपनी बीवी के लिए और उसके भाई के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अब तुम ये रोना बंद करो, इसे बाहर लाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ मैं। देखिए भाई साहब, इन्हें कैसे मारा है। ए, जीजा जी की बात सुनी? बंद करिए रोना धोना, जेल में ऐसा ही होता है। वो लोग लात घुसा ना मार के मेकअप वगैरह करा के हीरो बनाएंगे क्या? बस सुन, जब तक जीजा जी का साथ है किसी बात का डर नहीं मुझे, समझी? मौत भी आए तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा, समझ गई? चल खाना ला, ला। साहब जी, बिगड़ी हुई इस हालात में अगर आप जीजी के साहब से मिलेंगे तो ही कुछ बात बन सकती है। भाई मंगल सिंह, शंभू सिंह के बारे में मैंने अभी अभी जज साहब से बात की, इस कलेक्टर ने भी बात की है। ए, जज ने क्या कहा बताना? कहते हैं केस काफी स्ट्रांग है, ऊपर से मीडिया में भी आ गया, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब? लगता है उन्हें फांसी ही मिलेगी। ए, ए, मंगल सिंह, हाँ मखा क्यों परेशान हो रहे, छोड़ ना। खेल के मैदान में कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन ये जिंदगी है और वो मेरा साला है। मैं अपने साले को फांसी पे लटकते हुए देख नहीं सकता, कभी नहीं। क्यों जज्बाती होते हो? कानून के तहत कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कहा ना? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए शंभू सिंह कीमती है तो मेरे लिए तुम कीमती हो। एक काम करो, किसी भी तरह उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर मेरे पास लेकर आओ, उसे सही सलामत विदेश पहुंचाना मेरा जिम्मा है। पासपोर्ट वीजा का इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी बहुत सख्त है, सावधान रहना। से गुजरना पड़े
तो भी मैं बेशक गुजरूंगा। मुझे मेरा साला ही कीमती है, चलता हूं। मैं ब्रिजबन बोल रहा हूँ। शंभू सिंह भाग गया सर, हमारे दो कांस्टेबल को मारकर वो अपने आदमी के साथ भाग गया सर। पता नहीं क्या हो रहा है भाई। पुलिस से आपको 7:30 को तो बचा लिया, मगर एक प्रॉब्लम भाई। क्या हुआ है? पुलिस के साथ गोलीबारी में शंभू भाई को गोली लग गई। उसे फांसी के तख्ते से बचाने के लिए तुम लोग को भेजा था, तुम फिर से मौत का वाले कर रहे हो। फॉरन पास के किसी अस्पताल में ले जाकर उसे बचाओ। ठीक है भाई, सही कह रहे हो। ए सामने पुलिस वाला, पीछे पीछे, गाड़ी पीछे ले, पुलिस गाड़ी पीछे ले लो, जल्दी जल्दी पीछे, जल्दी जल्दी भाई, अस्पताल के चालक पुलिस है। हां भाई, जो है जितने भी लोग मरे मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरा साला जिंदा चाहिए। अरे गाड़ी रोको, वो देखो क्लिनिक, ये छोटा क्लिनिक है, कोई बात नहीं, गोली निकालने के लिए काफी है। अरे अरे कहाँ आ रहे हो, आज क्लिनिक बंद है। अरे डॉक्टर, भाई को गोली लगी है, फटाफट गोली निकाल के नहीं बचाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। गोली किसने मारी? ए, उससे तुझे क्या मतलब है, बेकार का सवाल करोगे, अतड़िया हाथ में थमा दूंगा। ए, तो धमकी दे या ना दे, किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है। आंखों के सामने कोई मौत से जूझ रहा हो तो देखकर कोई भी डॉक्टर चुप नहीं रहेगा। जाओ अंदर लिटा दो इसे, जाओ। ए, तुम लोग पीछे हटो, पीछे हटो। ए, बेल की तरह क्यों खड़ा, जाके कॉटन लेकर आ। जल्दी ला ला अपने डॉक्टर, ला लेकर आता हूं। भाई मैं जग्गू, मैंने डॉक्टर को ढूंढ निकाला है। हाँ भाई, जैसे ही मैंने चाकू निकाला घोंचू डर गया, मैंने कहा जान प्यारी है तो ट्रीटमेंट कर, ट्रीटमेंट चालू भाई, बाद में फोन करता हूँ। ए सुन, कैसे ले गया? भाई चालू, भाई चालू है भाई, गोली निकालने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा है। हाँ भाई, कोई लोचा नहीं है। आवाज मत कर। सॉरी सर, सॉरी सर, आप अपना काम चालू रखो साहब। हाँ, आप अपना काम चालू रखो साहब। भाई मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ भाई, भाई इस वक्त उसने पकड़ घाव में घेर दिया है भाई, पकड़ से गोली को पकड़ लिया है। हाँ भाई, गोली बाहर निकल रही है। हाँ भाई, निकल रही है, निकल रही है भाई। भाई गोली ऊपर आ रही है भाई। हाँ भाई, बाहर निकल गए भाई। हाँ निकल गए। गोली को उसने ट्रे में डाल दिया भाई। भाई अब वो सिलाई करा भाई, सिले में रुई रख के पट्टी बांधने वाला है भाई। हाँ भाई, अभी खत्म हो जाएगा भाई। हाँ
भाई बात यह कि अब वो पट्टी का... तुम सब बाहर जाओ ऐसे। हाँ सर, बाहर जाता हूँ साहब, जाता हूँ। चल 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 चल। हाँ सर, जाता हूँ सर। सब ठीक हो गया भाई? यहीं पर है भाई, यहीं पर है। हाँ पूछता हूँ भाई। सर जान को कोई खतरा तो नहीं? कोई खतरा नहीं है। हाँ भाई कोई खतरा नहीं भाई। हाँ भाई, सर होश कब तक आएगा? आधा घंटा लगेगा भाई। आधा घंटा लगेगा? हाँ भाई, दवा वगैरह लिखवा लेता हूँ मैं। कहता भाई? हाँ भाई कहता हूँ। हाँ सर, भाई ने तुमको थैंक्स बोलने के लिए बोला है। सर पैसा कितना हुआ सर? पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सेलफोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए तुम्हारे सेलफोन से एक फोन करना चाहता हूँ। दोगे? बस इतना ही, भाई की जान बचाइए सर, एक फोन करना बड़ी बात है। लीजिए बात कीजिए, अमेरिका अफ्रीका जहाँ चाहिए बात कीजिए सर। हाँ सर। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं डॉक्टर कपिल कुमार बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास से जो बच के भागा है शंभू सिंह, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। 10-15 मिनट में मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। होशियारी दिखा रहा है, हमारे से डबल गेम खेलता है। एक डॉक्टर की हैसियत से किसी की जान बचाना मेरा फर्ज था, वो मैंने कर दिया। एक नागरिक की हैसियत से किसी गुनहगार को पुलिस के हवाले करना भी मेरा फर्ज बनता है, जो मैं करने वाला हूँ। दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले तुम जैसों को जेल में होना चाहिए। इससे क्या बात करना, चल फाइट। जरूर सर, एक्शन लिया जाएगा। यस सर, ओके सर। क्या हुआ मिस्टर भास्कर? पूरे शहर में हलचल मची हुई है। दो पुलिस वालों को मारकर एक कैदी फरार हो गया, उसे गिरफ्तार करने के बजाय आप किससे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं? नहीं सर, हम उसे टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर कपिल कुमार के पास वो कैदी ट्रीटमेंट के लिए गया है, वो खुद उसे यहाँ लेकर आ रहे हैं, ऐसा फोन पर बताया। मजाक कर रहे हो, एक पुलिस बटालियन को ही मारकर वो लोग उसे बचा कर ले गए? कपिल कुमार कहते हो, वो भी एक डॉक्टर, अकेला उसे कैसे बुला सकता है? जाओ जल्दी उसे अरेस्ट करके ले आओ। इंस्पेक्टर, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ, अब इन्हें आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर कपिल कुमार, हम आपके शुक्रगुजार हैं। रहने दीजिए साहब, ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं, समाज के प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं। पुलिस लोगों की सुरक्षा करती है तो डॉक्टर्स जीवन दान देते हैं। निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। चलता हूँ। अरे कैसे मुमकिन है, इन सब की जुलाई करके यहाँ छोड़ गया? इन्हीं को कहते हैं डॉक्टर कपिल कुमार। ऑर्डर ऑर्डर, गैर कानूनी तरीके से मुलजिम शंभू सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ा के ले जाने वाले मंगल सिंह को फौरन गिरफ्तार करके इस अदालत में पेश करने की पुलिस विभाग को अदालत हुक्म देती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के खून के केस में सरकारी वकील के दलील और तमाम गवाहों के बयानों के बुनियाद पर मुलजिम शंभू सिंह को मुजरिम करार देते हुए उसे ये अदालत फांसी की सजा सुनाती है। He should be hanged until death. The court is adjourned. शंभू भाई को फांसी लग गई।
लीजिए, अपने साले की जान तो बचा नहीं पाए, अब यहाँ क्यों आए हैं? हाथ पर लगाइए। भाई भाई, यही है डॉक्टर कपिल कुमार, इसी ने शंभू भाई को पुलिस के हवाले किया। कपिल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साले की मौत का जिम्मेदार तू है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तीन सभी मैं बाहर निकलूंगा और तुझे मौत की घाट उतार दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू अपना दिन कितना शुरू कर। हाँ, आप टोकन दीजिए, जाइए। डॉक्टर से मिलना। हाँ, है। वेट कीजिए मैडम। कहीं की नंदनी आई है। कोई भी हो, बिना टोकन के नहीं मिल सकता। आप बैठिए, ये लीजिए टोकन। नहीं, मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई हूँ, बस शुक्रिया अदा करना है, उसके बाद चली जाऊंगी। अच्छा, ये बात है, आप बैठिए, अंदर पेशेंट है, उनके बाहर आने के बाद आप मिल सकती है। ठीक है, आओ बेटी, यहाँ बैठो। मैं कपिल का बाप हूँ। वो अस्पताल से घर आया, ना कॉफी पी और ना ही चाय, सीधा यहाँ आ गया। इसीलिए चाय लेके आया हूँ, पेशेंट के बाहर आने के बाद ही मैं अंदर जाऊँगा। नमस्ते, मैं जानता हूँ, नंदिनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी बेटी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने की वजह मेरा बेटा ही है, इसलिए जब भी उससे मिलती हो लड़ती रहती हो। सही कहा ना? वो सब पहले, फिर अब मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो उनके प्रति अब मेरे मन में बहुत इज्जत है। अच्छा, ये बात है, सुन के बहुत खुशी हुई। वो सब तो ठीक है, एक चाय पीने के लिए वक्त निकाले बगैर इस तरह काम क्यों करते हैं वो? मैंने पूछा, उसकी बहन ने पूछा, जिसे पूछना है वो पूछे तो शायद वो बदल जाए। कौन है वो जो पूछ सकता है? जिससे वो शादी करेगा ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ। सर, अब आप जाइए। कोई बात नहीं, रहने दो, इन्हें जाना। ठीक है सर। जाओ बेटी, जाओ। क्या ये मैं ले जाऊं? रहने दो बेटी, मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाती हूँ ना। अरे वाह, लाया मैं और दोगी तुम। ठीक है, ये लो, इसे ले जाके टेबल पे रखने से काम नहीं चलेगा, जबरदस्ती पिलाना। जब देखो पेशेंट इंजेक्शन इसी में डूबा रहता जी, अच्छा। है। जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आपकी तबीयत तो क्या हुआ? अरे एक पेशेंट के हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से आई हूँ। पहले ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, पहले आप चाय पी लीजिए। हाँ भाई, आप चाय कैसे लेकर आई? ये मैंने ही लेके आई, इसे लेकर आपके पिताजी बाहर इंतजार कर रहे थे। हो, आपको हो, लेने के लिए अंदर लेके आई हूँ। चाय बहुत है, थोड़ी सी चाय आप भी ले लीजिए। ये किस लिए? दो थैंक्स और एक सॉरी बोलना है। पद्मा को आपने बचाया, उसके लिए थैंक्स, और आपको पहचाने बिना लड़ती रही, उसके लिए सॉरी। एक थैंक्स अभी भी बाकी है। ब्रेक इंस्पेक्टर से मैंने कहा कि मैं आपकी दोस्त हूँ, तो तुरंत लाइसेंस दे दिया, उसके लिए दूसरा थैंक्स। ओहो, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। अपना बना के एक दिन तुझे ले जाऊंगा, मेहंदी जरा रचा के रहना,
धुन में लंके गाते रहना, खुद को जरा सजा के रहना, मुझको यूं ही भाते रहना। आऊंगी आऊंगी घर तेरे, आऊंगी घर तेरे अपने हाथों से सजाऊंगी, बाहों में तू झूलाते रहना, प्यार मेरा पाते रहना, नखरे मेरे उड़ाते रहना, दिल पे मेरे छाते रहना। चमके नगीना पूरों की तुझ में है परछाई, देखो तुझे तो दिखे मेरा गला, कानों में बजती है शहनाई, चेहरा चमन है शोला बदन है, मीठी शहद जी है तेरी जुबान, तू तो पागल है चाहत का सावन है, तू मेरी शान है तू मेरी है सभा, नदियों की उफान है तू, मुरल की तान है तू, बादलों की उड़ान है तू, महफिलों की जान है तू। समझाते बातें ये मेरी समझता नहीं, हाँ, मेरा देखो देखो नाम तुम्हारा, कहता ही जाता है रुकता नहीं, बस तो आने दे थोड़ा सा ताने दे, रस्मे वफा के निभाने दे, बाहों में आने दे मुझको समाने दे, नींदों में मुझे खो जाने दे। मौसम तू है बहार तू है, जाने जाना प्यार तू है, दीद तू है दीदार तू है, जाने जाना यार तू है। आऊंगा आऊंगा घर तेरे, आऊंगा आऊंगी आऊंगी घर तेरे, आऊंगी मेहंदी जरा रचा के रहना, धुन में लंके गाते रहना, नखरे मेरे उड़ाते रहना, दिल पे मेरे। भाई चिंता मत करो भाई, जल्दी आपको जमानत पर बाहर ले आएंगे। क्यों क्यों मैं बाहर आऊं? बाहर आकर क्या करूंगा? कहां मेरा साला? ओके पेट घुमा कर देते तब से, धन दौलत हासिल करने तक उसने हर पल मेरा साथ दिया, अब वो कहां है? बसों में पिक पॉकेट के दारू का धंधा चलाते थे, पाउडर बोतल खून खराबा, ऐसा कोई काम नहीं जो हमने एक साथ किया हो। बाद में वो मेरा साला बना और हम दोनों ने मिलकर पूरे शहर में हुकूमत की। आज के दिन तक एक भी पुलिस वाले ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज मैं जेल में पड़ा सर टेका हूं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? वो कपिल, कपिल कुमार। मौत से लड़ने वाले मेरे साले को बचा के फिर से उसने पुलिस के हवाले कर दिया, उसमें कितनी हिम्मत होगी उससे? अगर तुम सबने अपनी मां का दूध पिया है तो उस कपिल की मौत की खबर यहां मुझ तक पहुंचा दो,
तुमसे अगर नहीं हुआ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा, जा। अरे सुन, हाँ बोल। यही हॉस्पिटल ना? यही है। चल इसे डॉक्टर से पूछते हैं। अरे हट, यही कहाँ है डॉक्टर कपिल कुमार? अरे बोल ना, बोल। मैं टपका दूँ साले को। रहने दे, बोल ना। मेडिकल कैंप में गए हैं। कहाँ है वो मेडिकल कैंप? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में? बुला रहा हूँ ना, चले जरा। अरे जल्दी आना। साहब जी, कहाँ से घूम के आ रहे हो? 6 बजे तक कैंप पे पहुँच जाना चाहिए, नहीं जानते क्या? मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। जब डॉक्टर कैंप पे आए थे तो हम मजदूरी के लिए गए थे, इसीलिए अभी इन्हें दिखा के ला रही हूँ। इस वक्त कौन सा कैंप खुला है जो डॉक्टर तेरा इलाज करेगा? झूठ बोलेगी तो खैर नहीं। इतनी रात धंधा करके आ रही है क्या? साहब जी, भगवान से तो डरिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए डॉक्टर ने दवा और गोलियां भी दी है। ऊंची आवाज में क्यों बोलता है? गुस्सा रहा है? लेट आने से तुम पे शक हुआ है? साहब जी, सचमुच हम दोनों इसी कैंप में रहते हैं। हम कैसे विश्वास करें? चेक करने से पता चलेगा। जाके तलाशी ले। बेचारे ये बीमार है साहिब, इन्हें परेशान न कीजिए। अरे आ जा, आ जा, तेरी भी तलाशी लेनी है। चल क्या? चल घूम। अपना सब कुछ लुटाकर हम पर बड़ी उम्मीद लगाकर आए हैं ये लोग, इन पर थोड़ी हमदर्दी जताओ। अपनी वर्दी की आड़ में गलत काम करता है। कैंप में सभी सुविधाएं हैं ना? कोई कमी नहीं है साहब। कलेक्टर साहब, यही जवाब देने के लिए अधिकारियों ने दबाव डाल रखा है, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। यहाँ कोने कोने में गलत काम हो रहा है सर। अपनी आंखों के सामने पति को गंवाकर, पत्नी को गंवाकर, अपने बच्चों को गंवाकर, चारों तरफ आग देखकर, चीख कर, चिल्ला कर, रो रो कर, आंसू सूखने के बाद यहाँ आए हुए लोग हैं ये सब। अपनी जान के सिवाय सब कुछ कमाकर हमारी पनाह में आए हुए इन लोगों के साथ बड़ी ही बेरहमी से, बदतमीजी से पेश आने वाले अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, खेमों में पानी का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, रहने का इंतजाम नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह अंदर बंद करके रखा हुआ है। कुल मिला के ये एक जेल की तरह है। कम से कम जेल में कैदियों के पास खाने पीने का इंतजाम रहता है, कानूनन हक रहता है, लेकिन इनके साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता है। हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। समुद्र से खेमे तक आने के लिए पैसा देना पड़ता है, खेमे में दाखिले के लिए पैसा देना पड़ता है, एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने के लिए भी इन्हें पैसा देना पड़ता है। औरतों की इज्जत यहां महफूज नहीं है सर। बहुत से पुलिस वाले इनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। अभी इसी वक्त उन्हें आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, लेकिन उनके घर का चूल्हा ना बुझे इसीलिए मैं खामोश हूं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं शिकायत तो रहती है, आपको सिर्फ वही नजर आया है। नहीं साहब, इन्होंने सच कहा है, बल्कि इन्होंने कम कहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं। मैं जिस मिट्टी में पैदा हुई, वो मिट्टी को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के साहब, मैं यहाँ पे आई।
आई थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन यह तो कोई इज्जत नहीं है। इससे अच्छा था कि वहाँ की फौज के गोलियों के शिकार बन जाते हम। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा यहाँ पे आप लोगों को कोई कमी न हो। अगर इससे ज्यादा सहूलियत चाहते हैं तो उसका फैसला सिर्फ सरकार ही ले सकती है। तो सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है? इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से हमदर्दी क्यों नहीं दिखाई जा रही है? लेबनान में जंग शुरू हो जाए तो स्पेशल फ्लाइट भेजकर अपने देशवासियों को लाकर सरकारी बसों से उन्हें उनके घर छोड़ते हैं। इनके मामले में इतनी बड़ी मेहरबानी ना सही, पर थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना। बांग्लादेश के शरणार्थी और बर्मा के शरणार्थियों पर जो मेहरबानियां दिखाई जाती हैं, वो इन लोगों पर क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? भत्ते के हिसाब से महीने का 100 रुपए बड़ों को, 45 रुपए बच्चों को दिया जाता है, उससे इनका क्या होगा? हमारे देश की आबादी है 110 करोड़, श्रीलंकन रिफ्यूजी सिर्फ 60,000 हैं, तो इन लोगों की देखभाल ठीक से क्यों नहीं कर सकते सर? डॉक्टर, मैं आपकी जज्बातों को समझ सकता हूँ। अगले कलेक्टर्स मीटिंग में मैं ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सर। आज तक हमारे आना जाने कितने ही नेता आ चुके हैं, हमारी कहानी सुन के सर हिलाते थे, तस्वीर खिंचवाते थे और चले जाते थे, लेकिन हमारी तरफ से आवाज उठाने वाले बस आज आप एक ही आए हैं। वो आए होंगे आपका तमाशा देखने के लिए, मैं आया हूँ आप लोगों को आंसू पहुँचने के लिए। फिक्र मत कीजिए, हिम्मत से रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। नमस्ते। तो डॉक्टर को इस तरह क्या दिख रही है? नहीं, उन्होंने इन लोगों से जो कुछ भी कहा, काश वो बात मुझसे भी कहते। कौन सी बात? हिम्मत मत हारो, सब अच्छा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ऐसा कहते तो अच्छा होता। हे भगवान। सर, इस पर आप साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसे वो मछली खिला दो। कपिल कहाँ मिलेगा? भाई, अभी अभी तो आप जमानत पे बाहर आए हैं, फिर से कोई लफड़ा मत कीजिए। मैं जमानत पे बाहर आया हूँ सिर्फ उसे ऊपर पहुँचाने के लिए। मरने वाला सिर्फ मेरा साला नहीं था, मेरा यार था वो। खून का बदला कौन? दम और हिम्मत जिनके पास है मेरे साथ चलो। शांति और अमन चाहने वाले दबाओ जाओ। एक मिनट, रविचंद्र और श्रीदेवी 5th फ्लोर पे है, आओ चलें।
यहाँ पे तो कहीं और फंक्शन भी चल रहा है ना, वो वहाँ पे। अरे जिस काम के लिए आया वो हुआ ही नहीं, अगली बार देख लेंगे यार। अरे टेंशन क्यों लेता है यार, जाने देना। हे हे हे, वो देख डॉक्टर कपिल। अबे एक मिनट रुक जा, भाई को फोन लगा। हाँ बोल भाई। भाई डॉक्टर कपिल यहाँ पर है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। ओए गाड़ी घुमा घुमा गाड़ी। लगता है वेट करने से कोई फायदा नहीं, क्यों ना सीधे से चले हम लोग। रुको देखते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, लगता लिफ्ट आ गई। रुक जा, उसे अंदर जाने दे। चलो जल्दी। उस तरफ चलो। नंदनी तुम जाओ। क्यों, क्या बात है? मैं सेलफोन गाड़ी में भुलाया, वो लेकर आता हूँ। जाओ। चलो उधर। ओह शिट। अरे क्या हो गया? अरे ऐसा क्यों हो रहा है? ओ डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ किया होगा यार। ओ, उफ, ओ, चलो 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 चलो। जाओ पकड़ो भाले को, उठाने। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ये मत सोच कि मैं डर गया। मेरे हाथों तेरी जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए अपने साले की मौत पर इतना तड़प रहा है, उसके हाथों मरने वालों के परिवार वाले कितने तड़पे होंगे। तुम्हारा खून खून है, दूसरों का खून पानी, तुम पर कुछ हो जाए तो ज्वालामुखी की तरह उबलने लगते हो। बस सुन, जान लेने के लिए हथियार उठाता है तू, और जान बचाने के लिए हथियार उठाता हूं मैं। जान बचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जान लेने के लिए 5 मिनट काफी हैं। ये मत भूल कि तुझे किसी की जान लेनी होती है तो काट देता है या जहर देता है, और मैं चाहूं तो पानी पिला के मार सकता हूं। ए, घबरा मत, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जान की अहमियत क्या होती है ये तुझसे बेहतर मैं जानता हूं। कान खोल के सुन ले, जिंदगी और मौत से मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, मुझसे पंगा मत लेना, फाड़ के रख दूंगा। नंदनी चलो। भाई ये क्या, यहाँ तो पूरी बटालियन खड़ी है। नमस्ते साहब। नमस्ते कुमार गोली, मुझे अभी अंदर जाना है। हम पुलिस वाले भी आज अंदर नहीं जा सकते, पूरा हॉस्पिटल आज मिलिट्री के कंट्रोल में है। क्या बक रहे हो? सर आर्मी के किसी जनरल को आज अचानक दिल का दौरा पड़ गया है, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाने में देर लगेगी, इसलिए उन्हें यहाँ भर्ती करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस और मिलिट्री की तरफ से फुल सिक्योरिटी है साहब, वो पहले से ही टेररिस्टों की हिट लिस्ट में है, इसलिए आर्मी के परमिशन के बिना एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता। कपिल, मुझे इस कपिल को ही मारना है, ये छोड़ दे, मुझे मत रोक।
अरे खड़े भूख क्या देख रहे हो, जाओ मारो उसे, जाओ। आप मेरी बात तो सुनिए, उस जनरल का ट्रीटमेंट करने वाला ये डॉक्टर कपिल ही है। क्या बोल रहे हो? इस मेन गेट पर हम पुलिस वाले और अंदर पूरी आर्मी है, जरा समझा कीजिए। ये बताओ गाड़ी में कोई हथियार पड़ा है? बिना हथियार के हम कब निकले हैं? इतना ही काफी है तुम लोगों को उड़ाने के लिए। हम पुलिस वाले पूछताछ करके ही गोली मारते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले गोली मारने के बाद ही पूछताछ के बारे में सोचते हैं। हाँ, दो दिन के बाद जनरल को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद आओ और जो करना है करो। हालात को समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से जाइए। जाइए प्लीज। भाड़ में क्या तेरा सिचुएशन? भाई को लेके सिचुएशन के बारे में पूछ लेता, बाकी जान लेके रहूंगा, जान के बगैर जाऊंगा नहीं, वापस आऊंगा मैं। आइए जाइए, आप गाड़ी में बैठिए। ए गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला, बैठिए जाइए। ए जाओ जाओ। क्यों भाई, उस डॉक्टर को चपका दिया ना? नहीं यार भाई, वो देखो सामने जा रहा है, उसे अभी तक चपकाया नहीं, क्या बात है? पूरे हॉस्पिटल में मिलिट्री ही मिलिट्री है यार। हे मिलिट्री, मिलिट्री क्या होती है? उसे किसी भी तरह मारना होगा, उसे किसी भी तरह मारना होगा। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे मरने से कम से कम एक मिनट पहले उसे मरना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। आप इस तरह की बेहकी बेहकी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे एक मौका दो ना भाई, मैं उसे खलास कर दूंगा। अरे बाहर वाला कोई अंदर नहीं जा सकता यार। बाहर वाला ही नहीं जा सकता ना, लेकिन मरीज तो जा सकता है। ए काली, जरा एक बेयर बट लाना। अभी लाता हूँ, ये लो। मुझे क्यों मारा भाई? बाहर वाला नहीं जा सकता, अब ये मरीज है, जा सकता है ना? ये शेर का बच्चा है, जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। क्या है? एक्सीडेंट, खून। ओपी टोकन किधर है? नहीं, दिखा, ये लो। ठीक है, जाओ जाओ। उस्ताद, यहाँ तो हर जगह मिलिट्री है। अरे काहे का मिलिट्री, तू चल, मैं देख लूंगा। कितना खून बह रहा है, मारने से पहले बोलना चाहिए था ना। ए, बोल के मारो या बिना बोल के मारो, खून तो बहेगा ही ना। मैं तो भूल ही गया। उस्ताद, वो डॉक्टर यहीं पे है। हाँ यार, मौका मिलते। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? एक्सीडेंट, खून। टोकन है क्या? ए, पर्ची दे देना, ये लीजिए। आप लोग यहीं रहिए, आप आइए। जाओ। चाकू तैयार है ना? हाँ तैयार है उस्ताद। वो जैसे बाहर आएगा पहले मैं मारूंगा। ठीक है, साइड से तू भी मारना। ठीक है, समझ गया ना? ओके। बैठ जा बैठ जा। बीच बीच में इनका ब्लड प्रेशर चेक करना, हिप्स खत्म हो जाए तो बदल देना। ओके सर। ओके सर, मैं फिर आके देखूंगा। ए, कब तक बैठे रहेंगे? हैं, तू कहे तो अंदर जाके टपका दूं। उस्ताद, मिलिट्री है उस्ताद। अरे खामखा मिलिट्री मिलिट्री बोलता है साला। ए, देखो आ रहा है, चाकू खुल के रखना। हाँ। उसके आते ही पहले मैं मारूंगा, बाद में तू भी मारना। ठीक है उस्ताद, समझ गया ना? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। अब जनरल कैसे हैं डॉक्टर? डोंट वरी, ही विल बी ओके, वन मिनट। सर क्यों पकड़ रखा है, क्या हुआ इसे? सर बात यह है कि इनको खून देखने से चक्कर आता है। भाई वो लोग अभी तक नहीं आए? वो आएगा, उसे खत्म करके ही आएगा। सर इंजेक्शन जरूरी है क्या? कोई बात नहीं, दे दो साहब, दे दो। हाथ आगे करो, वो हाथ दिलाओ। दूसरे आदमी भी जरूरी है, तभी तो जल्दी ठीक हो पाओगे। हाँ लगाओ साहब, लगाओ। हाँ, 5 मिनट तक यहीं आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके। चलिए जनरल से मिलते हैं। यस सर। भाई भाभी का फोन है। क्या है, क्या बकबक लगा रखी है? फोन रख, रख, जले, जाओ,
उस्ताद, ये लोग हमें सचमुच पेशेंट समझ रहे हैं। और नहीं तो क्या? क्या एक्टिंग की उस्ताद? सब एक्सपीरियंस है भाई। ए, वो आ रहा है, चाकू निकाल। उस्ताद तुम भी चाकू निकालो। उस्ताद चाकू निकालो, वो आ रहा है। उस्ताद उस्ताद उठा, ज्यादा एक्टिंग मत करो उस्ताद। हाथ उठाना, हाथ उठाना। गौजू, तेरा नहीं मेरा हाथ उठा। ये हाथ उठा। उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद लगता है उसने इंजेक्शन लगा के मेरा दोनों हाथों को सुन कर दिया है रे। उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद क्या हुआ? हाथ नहीं उठा पा रहा है? गर्दन के नीचे सारा भाग सुन हो जाए ऐसा मैंने एक एक इंजेक्शन दिया है, और आधे घंटे के अंदर तो जिंदा लाश बन जाएगा, और ठीक होने में पूरे दो दिन लगेंगे। चुपचाप घर पहुंचने की कोशिश कर। अबे ओए, जिसने भेजा उससे बोल देना मैं अपने काम से काम रख रहा हूं, अगर वो मेरे रास्ते में आएगा तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शेर का बच्चा है, कामयाब होकर ही आएगा। भाई शेर को चूहा बना दिया भाई। ए, चाकू नहीं था तेरे पास? हाँ भाई, लेके गया था, ये देखो। इतना बड़ा रामपुरी ले जाकर क्या फायदा हुआ? इतनी सी सुई से उसने हवा निकाल दी। चल भाग, बेशरम कहीं के, तो गाड़ी निकाल, चल। आइए मदर, आप हॉल में बैठिए, कलेक्टर किसी मीटिंग में है, मैं चला कर दूंगा। मदर, हमेशा तो वो ऑफिस में मिलते थे, आज यहाँ गेस्ट हाउस में क्यों बुलाया है? पता नहीं बेटी, कहीं भी मिले तो क्या है, प्रभु की कृपा से काम हो जाए बस। मदर, आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया है। तुम यही रहो बेटी। जी मदर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मदर, आप ही इंतजार कर रहे थे। आप हैं जीजी के साहब, बहुत बड़े उद्योगपति, यो मनी यहाँ के बिल गेट्स हैं ये। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए मदर। बोलिए मदर। लंदन से हमारे ट्रस्ट के लिए सैंक्शन हुए फंड्स के प्रोसीजर के बारे में बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, मुझे याद आया, कुछ बातें ऑफिस में नहीं की जा सकती मदर, इसलिए यहाँ आने के लिए कहा मैंने। दिल्ली होम डिपार्टमेंट को आपने जो भी पेपर्स भेजे थे वो मेरे पास आ गए हैं, मैंने देखा, सब कुछ एकदम क्लियर है मदर। उस फंड को इंडिया आने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा मुझे एक एनओसी देना है। वो एनओसी लेटर भी तैयार है। क्या है कि उसमें मुझे एक दस्तखत करनी है, बस उतना ही। बहुत खुशी की बात है, अगर ये काम हो जाए तो 1500 बच्चे आपको दुआ देंगे, प्रभु आपको सब कुछ देंगे। प्रभु से तो बाद में लूंगा, पहले ये बताइए आप क्या देंगी। साफ साफ बताता हूँ, कमीशन के तौर पे 15% लेना चाहिए, मैंने कहा था, लेकिन साहब ने कहा कि वो बहुत ज्यादा है, बस 10% से काम चला लेंगे बोला। इसमें ये सब कैसे आ गए? ये क्या सवाल किया आपने? अभी जो हम यहाँ बैठे हैं ना, वो जीजी के साहब का ही गेस्ट हाउस है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीजी के साहब ने ही मुझे कलेक्टर बनाया, और इन्होंने ही यहाँ मेरी पोस्टिंग भी कराई। उसके अलावा यहाँ के सरकारी ऑफिस के सभी फाइलों का फैसला अपने जीजी के साहब ही लिया करते हैं। क्या बोलती है मदर, 10% ठीक है ना? ये बहुत ही गलत है, कोई बड़ा दिल वाला दान देता है, वो दान यहाँ के अनाथ बच्चे पाते हैं, इसके बीच हम आप लोगों को कमीशन क्यों दें? मदर आप टेंशन क्यों ले रही हैं? प्रैक्टिकली सोचिए, ये तो सभी जगह चलता है, इस कमीशन में बहुत से लोगों का हिस्सा है। किसके लिए कमीशन मांगते जानते नहीं? इन फंड्स के साथ हम सिनेमा हॉल या फैक्ट्री नहीं बनवा रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फनेज बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं और स्कूल भी बनवा रहे हैं, इन सब में आप कमीशन मांग रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है। ये फंड्स भी काफी नहीं है, जगह जगह हुंडी लगा के लोगों के सामने हाथ फैला के 5-10 जो भी मिले हम लोगों ने जमा किए, बेझिझक 10 करोड़ के घूस मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं एक पैसा नहीं दूंगी। एनओसी देना तो दीजिए, नहीं तो जहाँ बात करनी वहीं करूंगी। जीसस आपका भला करे। साहब, अगर ये सीएम या गवर्नर के पास चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और मुझे कलेक्टर की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। साहब क्यों रो रहा है? जिन हाथों में मोमबत्तियां जलती उनमें मशाल नहीं जलते। मदर ने दुनिया नहीं देखी है, ये जीजी के उसे दुनिया दिखाएगा।
कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? बेटी को कुछ नहीं होगा। नमस्ते डॉक्टर। वो देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मौत के चंगुल से उस दिन आपने मेरी बेटी को बचाया था, तब किसे पता था कि उसे दोबारा मौत के मुंह में जाना होगा। कितनी बेरहमी से जालिमों ने उसे मारा है, देखिए डॉक्टर साहब। मुझसे मेरी बेटी की तड़प देखी नहीं जाती डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। सॉरी सर, वो अपने आखिरी सांसें गिन रही है। जाऊंगी क्या डॉक्टर? अरे नहीं, ये क्या बोल रही हो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ पद्मा? क्या हुआ? बोलो पद्मा, बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? मदर को पल्स डाउन हो रही है। क्या हुआ? मदर को मारने मारने वालों को पहचानती हूं। नर्स, इंस्पेक्टर को बुलाओ। ओके डॉक्टर। सर, इंस्पेक्टर को डॉक्टर बुला रहे हैं। अभी आया। मेरी बेटी को क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मेरी बेटी को? बाहर रुकिए, बाहर रुकिए मैडम। बोलो पद्मा, जल्दी बोलो। अंकल, 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 मदर को मुझे मारने वाले को पहचानती हूँ अंकल। बेचारे मदर अंकल। हे भगवान, मेरी बच्ची। मत छोड़ना अंकल। बोलो पद्मा, बोलो। मैडम, मैडम, आपने बुलाया डॉक्टर? दरअसल इंस्पेक्टर, ये बेहोश हो गई है। वन मिनट मैडम, जल्दी पानी लेकर आओ। ओके डॉक्टर। मैडम जल्दी लाओ, जल्दी। हेलो साहब, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो लड़की मर गई साहब, अभी अभी मैं उस डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ साहब। उस डॉक्टर ने तुम्हें क्यों बुलाया? अभी जब मैं उससे बात कर रहा था तो लड़की की माँ बेहोश होकर गिर गई। उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं ना? मुझे पूरा यकीन है सर, आखिरी दम तक उस लड़की ने ना आंख खोली है ना कोई बात की है। ठीक है, फोन रखो। सर, उस लड़की ने कुछ बताया सर? उसने कुछ नहीं बोला, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। ठीक है सर। इसमें परेशानी की बात नहीं ना सर? उस लड़की का दाह संस्कार होने तक मैं वहीं पर था, हमारे खिलाफ कौन माइका लाल कंप्लेंट कर सकता है? मैंने अपना बयान इसमें लिख दिया है, ये लीजिए, देख लीजिए। और उस लड़की का मरने से पहले का बयान इस सीरी में है सर। डॉक्टर, आपने ये जो दिया है वो एकदम पक्का सबूत है, ये काफी है उस बड़े आदमी को अरेस्ट करने के लिए। हाँ, नटराज को अंदर भेजो, मैं यकीनन इस पर एक्शन लूंगा। डॉक्टर, यह सबूत हासिल करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। सर, ये एसी के पास देकर संभाल कर रखने के लिए बोलो, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है। ओके सर।
जिसे पकड़ना है उसके पास पॉलिटिकल लेवल पर बहुत सपोर्ट है। सीएम से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। सीएम अपना टूर खत्म करके परसों वापस आ रहे हैं, उनके आते ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे डिपार्टमेंट से ही है। हेलो, क्या बात है नटराज, कैसे हो? प्रमोशन कुछ चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है सर, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। आप अपना फैक्स मशीन ऑन कीजिए। नटराज, इसके जवाब में कमिश्नर ने क्या कहा? सीएम शहर में नहीं है, उनके वापस आते इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा ऐसा कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर ने ओरिजिनल सीडी दिया था वो मेरे पास है, उसकी जगह दूसरी सीडी रख दी है मैंने। उस डॉक्टर के पास ही मास्टर सीडी होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आगे जो करना है कीजिए। हाँ, वो मैं देख लूंगा। बहुत होशियारी झाड़ रहा है ना? ये देख, प्रेम पत्र आया। मंगल सिंह कहां पर हो? मंगल सिंह, क्या करने का प्लान है? पहले वो कपिल सिर्फ मेरा ही दुश्मन था, अब आपका भी दुश्मन बन गया है। अब भी खामोश रहने से कोई फायदा नहीं। हमको वो सबूत चाहिए। और मुझे उसकी जान चाहिए। चलता हूं। कपिल, राजो, बारगल, ओए! कौन हो? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? तेरे बेटे की जान चाहिए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ओए! कहाँ है वो? बोल! अबे बोल! कहाँ है वो? ओए! फौरन उसे फोन करके बुलाओ! बुलाओ! मैं फोन नहीं करूँगा। वो कहाँ है मैं नहीं जानता। मार डालो! कहाँ ना मार! कहाँ है वो? कहाँ तेरा भाई? मार से! अब बोल, मैंने कहाँ है कबील? मैं नहीं जानता। वो नहीं जानता। कौन कहा कबील? सुन लड़के, तेरा बाप तो मर गया, तो चाहते कि तेरी भाभी जिंदा रहे तो अपने भाई से कह दे कि मुझे जाके मिले। चल बे। पिताजी, पिताजी, प्रिया, पिताजी, 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 प्रिया, 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 क्या हुआ? भैया, पापा, मंगल सिंह ने पापा को मार डाला भैया। मंगल सिंह, कपिल, अगर तू अपनी पत्नी को सही सलामत पाना चाहता है तो अपने मोबाइल से दे दे।
नहीं, नहीं, मत कीजिए, नहीं, नहीं, मत कीजिए, नहीं, नहीं, जो मुझे चाहिए तूने दे दिया और तुझे जो चाहिए मैं देता हूँ। एक्सीडेंट हुआ है, अभी देखता हूं। नंदिनी, हाँ? मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम गाड़ी ले जाके एम्बुलेंस का इंतजाम करो। हाँ? जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। सुनिए, लंबी सांस खींचिए, खींचिए।
काट डालो साले को, जाओ। यही है ना वो डॉक्टर? ए, क्या घूर रहा है? मानती हूँ तूने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरे सौहार का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हुआ ना। इसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं लौटना। अरे बाप रे, बहुत लाभ मार रहा है। ए, तू यहाँ अकेले क्यों आई? तुझे इस हालत में अकेले आने की क्या जरूरत है? ए, ड्राइवर के साथ ही आई थी, उस पियक्कड़ ने गाड़ी पेड़ से टकरा दी, उसकी जान ले लूंगी, इस डर से भाग गया वो। अरे रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो, लगता है ससुरा पेट में ही चाकू चला रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कुतिया, मेरी देखभाल करने आई है, ये गाना सुन। है आ इधर, चिकन का टुकड़ा डाल थाली में। ए, ये क्या, तेरे बाप की कमाई खा रही हो, डाल एक और। अब जा। क्यों जी, खाली पेट है ना, टेस्ट करना है बोला था ना, इस तरह से दबा रही है। देख मुंह बंद कर, तेरे घर का खा रही हूँ क्या? जो औरत पेट से उसे खाने से मना कर रही है, सत्यानाश हो तेरा। सारे अस्पतालों को छोड़कर दर्द होते समय यहाँ चली आई, मेरी मती मारी गई थी। नहीं जी, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। काय की भलाई, ऐसे मौके पर खाली पेट रहेंगी तो बच्चा आराम से पैदा होगा। हट, बकवास बंद कर, आराम से पैदा हो या चीर के निकालना पड़े, मेरी मर्जी। आ गई हिलाती हुई, चल यहाँ से। हे भगवान, क्यों री, तुझे क्यों सांप सूंघ गया? अरे डालना मटन। जी आप कैसी हैं? कौन है तू, क्या काम है तुझे? मुझे नहीं पहचाना? उस दिन जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं और मेरे पति ने ही तो आपकी मदद की थी, भूल गई क्या? अब याद आई मुझे। बेचारा तेरा मरद, मेरी जान बचाने वाले उस भले मानुस को सुना है कुछ गुंडे मवालियों ने टपका दिया, उन कुत्तों का भला नहीं होगा, लाश लेने आई है। अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रही है? वो बच गए, डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। बचा लिया? अब कहाँ है वो? यहीं पर आईसीयू में। हाँ? मुझे दिखाएगी? आइए ना, देखते चलिए। संभल के, संभल के। बच्चे के लिए भी टेम है, पहले तेरे मरद को देखती हूँ। अभी आई। अरे कल मुझे हाथ धुला। संभल के, वो देखिए। लगता है अभी तक वो हथियार नहीं बना जो तेरे मर्द को मार सके।
यहीं रह के उसकी अच्छी देखभाल करना। मैं अभी आई। ऐ चुड़ैल क्या देख रही, जल्दी से फोन दे। ऐ भाभी बोल रही हूँ, भाई को जल्दी फोन दे। भाभी मैं काली, भाई किससे अंदर बात कर रहे हैं बोलिए। तेरे मुंह में मट्टी पड़े निकम्मो, एक छोटा सा काम सौंपा तो वो भी ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। उसे खत्म करके आने को कहा तो उसके बदन में यहाँ वाला लकीर मार के आए हो। वो डॉक्टर का बच्चा जिंदा बच गया है सालों। ए, कल उसने आके मेरे मर्द को मार दिया तो मेरा सिंदूर उजड़ जाएगा हराम जादो। जल्दी से भाई को फोन दे कम्बक। क्या बोल रही है? अरे ओ गधों के सरदार, उस डॉक्टर की जान लेने को कहा था या उसकी मरहम पट्टी करने को कहा था? मौत के मुंह से जिंदा बच गया है वो। कहाँ है वो? कहाँ है वो? जिस अस्पताल में मैं भर्ती हुई हूँ उसी अस्पताल में है वो। जल्दी आके मार उसे। अभी आ रहा हूँ मैं। ठीक है। अरे देर हो गई अभी तक। मालकिन मालकिन तेजी से मत चलिए, बच्चे को कुछ हो जाएगा। ये मानूस पैदा होने से पहले कहीं अपने बाप को खाना जाए यही सोच रही, और तू आगे मशवरा देने चल यहाँ से। हाय हाय। अरे जल्दी आओ कुत्ते कमीनो, एक आदमी को ठीक से मार नहीं सकते, अब मरा छोड़कर आ गए हैं। वो डॉक्टर अभी तक जिंदा है। अरे कहाँ है बोलना? अरे इसी अस्पताल में भर्ती हुआ है, ऊपर है वो, आईसीयू में है। तूने देखा क्या? अरे मैंने देखा है, ऊपर है वो, मैंने अपनी आँखों से देखा है। जल्दी चलो। अरे जल्दी आओ, ऊपर ही है वो, जल्दी चलो। बच गया वो। अरे जल्दी आओ ना। उसे जिंदा छोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है चल, जल्दी जल्दी चल। अरे छोड़, सर्दी बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी चलो। चल चल जल्दी जल्दी। अरे कहाँ चला गया? यहीं पे तो था। कहाँ चला गया? कहाँ गया वो? अरे यहीं पे तो था। तो फिर कहाँ गया? अरे तेरे सर की कसम यहीं पे तो था। लगता है कि उसे किसी ने यहाँ से हटा दिया है। इतना पक्का है कि वो इस अस्पताल से बाहर नहीं गया है। जाकर उसे ढूंढ लेना, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हाँ जाओ। अरे बाप, अरे जल्दी आना। ए, उस तरफ ढूंढा क्या? अरे छी, जल्दी जाके ढूंढ। चलिए बाहर नहीं है, बाहर। वहां जाके देख। ठीक है भाई। क्या नहीं है? नहीं भाई। एक मिनट। क्यों रुक गए? चलिए जल्दी करो, जल्दी। इधर ढूंढा क्या? भाभी सब सब जले हुए मरीज हैं। अरे जल्दी ढूंढ, नहीं तो तुझे जला दूंगी। देखा क्या? उधर भी नहीं भाभी। आखिर वो कहाँ गया होगा? अरे तू क्यों उल्टी कर रहा है? पेट से तो मैं हूँ। कहाँ गया होगा? यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आवाज निकाली तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी, चल। अरे आ ना। क्यूरी छिपकली, कहाँ छुपा के रखा है अपने मर्द को? बता, बताती है या तेरी अंतड़िया निकालो? बोल। जाने ले जाइए। क्यूरी एम्बुलेंस में भेज के सोच रही कि तू उसे बचा पाएगी? कमीनी सफेद साड़ी पहनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। अरे रुको ना, मैं भी आ रही हूँ। इसके अंदर है।
अरे मेरे हाथ में कोई हथियार देना। चलाओ गांव डालो कुत्ते को। अरे नहीं ये तो पहले से मरे हुए। अंदर देखो तो क्या हुआ है। हटो। अरे तो बुढ़ा है। देखो डॉक्टर की बीबी ने हमें चकमा दे दिया। हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। आज मैं डॉक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी साथ में उस कुतिया के। चलो सर, कमल सर, मैं कुछ नहीं जानता। वो कमल मैं सच कह रहा हूँ। कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। सच कह रहा हूँ, उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें घर में रखकर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। उन्हें किसी हॉस्पिटल में रखकर ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर। सर सर मैं सच कह रहा हूँ। शहर के सभी अस्पतालों में ढूंढो, सब अलग अलग इलाके में जाओ। जरूरत पड़े तो हमसे पैसे खाने वाले पुलिस वालों को ले जाओ। जाओ कल ही आज कोई भी आदमी पूरा बदन कटा हुआ इधर एडमिट हुआ है क्या? ऐसा तो कोई एडमिट नहीं हुआ। जरा रजिस्टर देना। कॉन्स्टेबल अंदर जाके चेक करो। भाई को एक फोन लगाना। ए मंगल सिंह, फोन उठाओ यार। हेलो भाई, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। उसे हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। ए, चाहे आसमां फाड़ के ला या जमीन खोद के निकाल, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वो चाहिए जिंदा या मुर्दा, वरना तुम सब मारे जाओगे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी रोको, रिवर्स लो। इस हॉस्पिटल में ढूंढा, ये जानवरों का हॉस्पिटल है साहब। बकवास बंद, गाड़ी अंदर ले। होगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। ए डॉक्टर, कपिल कहाँ है? मैं नहीं जानता। अरे हट इंस्पेक्टर। ए ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। नहीं इंस्पेक्टर, वो नहीं है। इंस्पेक्टर देखिए, ए वो पेपर उठा। जय जय साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। फोन अगेन। मैं मनोहर बोल रहा हूँ साहब। कपिल का पता लगा लिया है, वो वहीं पर आ रहा है। यहाँ आप जरा होशियार रहिएगा, मैं पुलिस फोर्स के साथ वहीं पहुँच रहा हूँ। पुलिस फोर्स और यहाँ? ओए किसी और के लिए भेज,
मैं मंगल सिंह हूँ, शेरों का शेर। शेर साहब वो कपिल कुमार है, शेर के लिए वो सवा शेर है। बाद में बात कर। तेरी ज्वालामुखी है, तूफान बन के आता है, तू 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 कपिल तू। बारूदों का है बलवंत सीना, दुश्मनों पे जाता, तू 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 कपिल तू। आवाज ये कपिल है, अंजाम ये कपिल है, इनके काम ये मिसाल कपिल को, जुल्म को मिटाता है, तू 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 कपिल तू। तेरे हाथों में कितना दम है, जालिमों को बताता है, तू 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 कपिल तू। क्या बाजिए कपिल है, जनता दिए कपिल है, मौजा दिए हो हो। हट जाओ। Oh!
नहीं चाहिए, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। ये लो बेटा। किसी भी जान का जन्म होना खुशी की बात होती है, और वही जान अगर बिछड़ जाए तो दुख की बात होती है। जान ना हिंदू होती है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई होती है। जाति, धर्म, भाषा, देश, सही मायने में इन सब से कहीं बढ़कर होती है जान। ऐसी कीमती जान को बचाने वाले हर एक डॉक्टर पर सबको फक्र होना चाहिए, और मुझे भी फक्र है। Ha ha ha.